हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी, सैलरी 40,000 से लेकर 90,000 तक अलग अलग पोस्ट हैं। 10th to 12th एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट जो है कैटेगरी वाइज दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये वैकेंसी है। इसमें पूरे भारत में आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी है, लेकिन हम यहाँ पर केवल उन्हीं पोस्ट को देखेंगे जिनमें 10th 12th ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन की 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट पहले 15 सितंबर थी, अभी बढ़ाकर 21 सितंबर 2024 कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, पे लेवल ऑफ पोस्ट, मैक्सिमम एज लिमिट, टोटल वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज सारी आपको दिखेगी। आप बहुत सारी पोस्ट हैं तो आप इनको चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे MTS की जो वैकेंसी है, जिसमें कोई भी 10th पास कैंडिडेट, 12th पास या किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, कोई अनुभव नहीं चाहिए, केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। ठीक है, पे रेंज जो है 18,000 से लेकर 56,900 तक, 18 से लेकर 25 ईयर तक के जनरल कैंडिडेट के लिए ये उम्र सीमा है। आयु सीमा में छूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसमें दी जाएगी। दूसरा एक और है पोस्ट जो कि इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की। इसमें सैलरी लेवल 6 के अकॉर्डिंग है, 35,400 से लेकर और 1 लाख से भी अधिक। उम्र सीमा इसमें 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। ठीक है, अब देख लेते हैं आयु सीमा में छूट। ये दो ही पोस्ट की बात करेंगे क्योंकि इसमें केवल 10th 12th या एनी ग्रेजुएट। सबसे पहले MTS के लिए आप देखें 10/24 मल्टीटास्किंग स्टाफ, मैट्रिकुलेशन 10th पास या फिर कोई भी इक्विवेलेंट आपने 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन आपने कर ली है आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी। ठीक है, हायर ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं, बस इतना ही मांग रहे हैं। और दूसरा जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3 साल का अनुभव मांग रहे हैं, कैश, कमर्शियल अकाउंटिंग या बजट वर्क आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी से या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसके अंतर्गत अगर आपने 3 साल का जो अनुभव लिया है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। या डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इंटर ICWA या इंटर CA। अपर एज लिमिट आप देखें 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए, 5 साल SC ST कैंडिडेट के लिए। PWBD कैंडिडेट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर 10 साल की छूट है, और OBC जो है उनको 13 साल की है, SC ST को 15 साल की छूट दी गई है। कट ऑफ डेट जो निकाली जाएगी तो कैलकुलेशन की जाएगी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर SC ST PWD EWS कैंडिडेट के लिए 200 रुपये है और बाकी जनरल OBC इनके लिए 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सोच समझ के फॉर्म फिल करिएगा, नॉट रिफंडेबल। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, IWAI.NIC.IN। होम पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, अप्लाई ऑनलाइन आपको कर देना है। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, IWAI.NIC.IN। यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन है, यहाँ पर वैकेंसी नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। ये पेज आपके सामने होगा, यहाँ पर देखें सेकंड नंबर पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफ वेरियस पोस्ट। तो एग्ज़ाम के द्वारा ही जो है सिलेक्शन रहेगा, केवल एक परीक्षा होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस दिया हुआ है इसमें और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, अप्लाई करने के लिए लास्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, और भी अगर इम्पोर्टेंट
इस पूरी पीडीएफ फाइल में है वो देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक बता भी दिया मैंने और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो के नीचे आप लोगों को, हर वीडियो के नीचे मिल ही जाता है लिंक। क्लोजिंग डेट जो है 21 सितंबर है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सीबीटी मोड आपका एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिलेबस के लिए आप लोगों को ए से लेकर जे तक देखना है। यहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटर्न एग्ज़ाम, रिटर्न में आप लोगों को मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 45%, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए और 35% एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो इनको इतने जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इतने लाने ज़रूरी होंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, कोची, ठीक है। तो आप अपनी जो है सुविधा के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त सेंटर डालेंगे। बस ये पूरा नोटिफिकेशन में जो भी ज़रूरी बातें आपको जाननी ज़रूरी थी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है आप लोगों को बता भी दिया है और इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल ही जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट्स में कहते हैं कि लिंक नहीं दिया, आप चेक किया करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ मिल ही जाएगा लिंक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।